सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आइए बात कर ले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी से, फिर हम बताएंगे। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एच प्लस ऑफ एसिड ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना है। तुम बोलोगे सर इसका अर्थ लिख लिया, तो आओ इसका अर्थ देखो, ध्यान से सुनना इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है कि हमने ले लिया एच प्लस, हमने ले लिया ओ एच नेगेटिव, ठीक है, और हम बना दिए हैं दोनों से एच टू ओ। क्या बना दिए? एच टू ओ। अब मुझे बताना तुम सभी लोग, एच प्लस यहाँ कितना मोल दिख रहा है तुमको, जल्दी बताओ दोस्तों। योगेश दादा एच प्लस कितना एक दिखा ये बताना। एक बोलोगे सर एच प्लस तो मुझे 1 ही दिख रहा है, और ओ एच कितना दिख रहा है भाई, वो भी 1 दिख रहा है ना। तो डेफिनेशन यही कहता है कि जब आप 1 मोल एच प्लस लो और 1 मोल ओ एच लो, ठीक है, जब 1 मोल एच प्लस को, ध्यान से सुनना, जब 1 मोल एच प्लस को 1 मोल ओ एच नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एच प्लस ऑफ एसिड विथ 1 मोल ऑफ ओ एच नेगेटिव बेस। ओ एच कहाँ से आता है? बेस से। ये कहाँ से आता है? एसिड से। तो जब ये इसको न्यूट्रलाइज कर दे, ये इसको न्यूट्रलाइज कर दे और बन जाए वाटर, तो उस दौरान जो हीट रिलीज होता है उस हीट को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें ये चीजें फिक्स है। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। कुल मिला के हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 मोल एच टू ए के फॉर्मेशन इन दोनों से, है ना, 1 मोल एच प्लस 1 मोल ओ एच नेगेटिव से जो 1 मोल एच टू ओ बनता है और उस दौरान जो एनर्जी निकलता है उसको भी कह सकते हैं। तुम बोलोगे नहीं इसको हम नहीं कह सकते। आओ कैसे नहीं कह सकते, देखो प्रूव करते हैं। एक रिएक्शन है जैसे एच सी एल प्लस एन ए ओ एच, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा प्रोडक्ट? जल्दी बताओ सभी लोग, प्रोडक्ट क्या होगा? अरे बचपन से, हाँ, प्लस H2 NaCl प्लस H2। कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूं इसका डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है, तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू होता है लगभग 57.5 किलो कैलोरी, 5 किलो जूल। नेगेटिव में होगा, रिलीज हुआ है तो नेगेटिव में होगा, मैं नेगेटिव ही करके लिख लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। -57.5 किलो जूल, इसी किलो जूल का वैल्यू माइनस में होता है 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, तुम बोलोगे जी ठीक। अब सुनते जाओ, ये तो था एच सी एल और एन ए ओ एच का। मैं दूसरा एक और रिएक्शन लिखना चाहूंगा, वो रिएक्शन है एच एन ओ थ्री प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज के ओ एच, और इससे जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट के एन ओ थ्री प्लस एच टू ओ, और यहां पर जो डेल्टा एच निकल रहा है वो भी इसी के बराबर है -57.5 किलो जूल।
इसके अलावा एक और रिएक्शन में लिखूं, एच आई प्लस के ओ एच, ये हमें देता है के आई प्लस एच टू ओ। और हमने देखा इसका न्यूट्रलाइजेशन वाला जो वैल्यू है, या हीट ऑफ रिएक्शन, या जो भी समझो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो -57.5 आया। ये सब क्या बता रहा है भाई, ये सब क्या बता रहा है बोलो। डेल्टा एच चेंज नहीं हो अब रहा। देखो, नहीं ये बता रहा है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे कितना मोल है एच, एक मोल, यहाँ पे कितना मोल है ओ एच, एक मोल, पानी कितना बना है, एक, इसमें देखो एक मोल एच प्लस, एक मोल ओ एच, और पानी कितना बना है, एक मोल, यहाँ पे एक मोल एच प्लस, यहाँ पे एक मोल ओ एच, और पानी कितना बना है, एक मोल, और इसीलिए ये जो वैल्यूज आए हैं ये सब क्या है, बराबर, और सबका सब ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, बोलो कोई दिक्कत। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जब जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा और एक मोल एच प्लस, एक मोल ओ एच नेगेटिव आपस में करेंगे रिएक्ट और एक मोल पानी बना, ठीक है, तब जो हीट रिलीज होगा उसे कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन। अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लूं तो इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा या इससे कम, बोलो बोलो। अरे मैं बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लूं, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले लूं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कम ही एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा, इससे कम ही एनर्जी रिलीज होगा। मैं इस चीज को प्रूव भी कर दूंगा ऐसा क्यों होता है, मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा कि ऐसा होता ही क्यों, ठीक है। हाँ लेकिन सर। हाँ, लेकिन क्यों ना, उससे पहले मैं कुछ लिख दूं इसके बारे में, अभी जो मैंने बताया एक मोल एच टू ओ को लेकर, ठीक है। हाँ मृणाली, तुमने सही बोला है, तो हम कुछ लिखना चाहेंगे इससे रिलेटेड, नोट देकर, है ना। वन एच प्लस प्लस वन ओ एच नेगेटिव, ठीक है, ये क्या देता है हमें, वन एच टू ओ। तुम बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, वन वन लिखने की मतलब जरूरत नहीं था, बट फिर भी लिखो। यानी हम कहना चाहते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर, और वाटर कितना होना चाहिए, देखो कुछ नहीं तो वन, तो मैं लिख ही देता हूँ ना वन एच टू, नहीं तो तुम भी बोलो। और जब कुछ ऐसा आता है तो हमें पता है डेल्टा एच का वैल्यू कितना आया, -57.5, ठीक है। रीजन इसका क्या है, अगर पूछ लिया जाए रीजन क्या है, क्योंकि रीजन यहाँ पे ये है कि इन दोनों के बीच में बन जाता है बॉन्ड, और हम जानते हैं बॉन्ड जब जब बनता है तब तब एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तुमसे अगर कोई पूछ ले कि सॉल्ट बना है इसीलिए एनर्जी रिलीज हुआ है क्या, नहीं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है इसलिए एनर्जी रिलीज हुआ है, समझ में आया। रीजन पता होना चाहिए, रीजन क्या है, रीजन ये है कि एच प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव ये दोनों मिलके बना दिए हैं एच टू ओ, इसीलिए इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, बोलो कोई दिक्कत। तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। तो कुल मिला के हम एक लाइन लिखना चाहेंगे, तुम देखना, अगर वो सही है तो तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करना, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। मैं लिख रहा हूं हीट ऑफ, किसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ
बाई एच प्लस एंड टू एच नेगेटिव। क्या ये सही है? तुम बोलोगे सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता था योगेश? तुम बोलोगे सर 1 मोल कोई भी चीज बनाने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, एक्सचेंज होता है, कुछ भी होता है, तो पानी भी 1 मोल ही बन रहा है, देखो तो सही बात है योगेश। और 1 मोल हाँ पानी बनने में इतना एनर्जी रिलीज हुआ, तो पानी के 1 मोल बनने वाले को हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते क्या? बोलोगे हाँ कह सकते हैं। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन और पानी का जो बनने वाला जो मैंने लाइन लिखा है ब्लैक कलर से, ये सिर्फ इस केस में लागू होगा, ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में लागू होगा, दूसरे केसेस में ये लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ठीक है तो बताइए, मैं एक सवाल दूं, फिर दूं एक सवाल हाँ सर, ले लो। ओमकार तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? अच्छा उससे कॉपी तो ले, रहा सर। उससे कॉपी ले लोगे ना, और फिर क्या करोगे? मैं अभी जेरोक्स? जेरोक्स भी कर लूंगा और समझ भी लूंगा। ऐसा मत करो, दुनिया वाले तुमको पहले से बर्बाद इंसान कुछ नहीं समझते हैं। कहते, कुछ नहीं कहते समझते सर। हैं, कहते कहाँ कुछ है। अच्छा समझने वाले समझते हैं सर, उनका समझना तो हम बदल नहीं सकते ना। तो तुम इन सब बातों को सत्यापित क्यों कर रहे हो अपने हाव भाव से? तुम कौन करता है? नहीं फोटोज निकालने वाले, वो फोटोज लेके जाएगा। वो फिर से अब चैटिंग पे आ गई क्या सर? सर उसका मुंह मुंह बंद है, समझ लो आप। बताओ, मित्रों बताइए, मित्रों अब चुप ही है, बताओ भाई आंसर क्या है? भी हो सकता ऑप्शन बी। अब ध्यान से देखो क्या है आंसर, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है योगेश दादा? बोलोगे हाँ। ये स्ट्रॉन्ग बेस है? बोलोगे बिल्कुल। 1 मोल एच है यहाँ पे, एच प्लस, 1 मोल ओ एच नेगेटिव, तुम बोलोगे हाँ। दोनों मिलके पानी बनाया और डेल्टा एच इतना आया। ठीक, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? जवाब दोगे हाँ बिल्कुल। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है? बिल्कुल हाँ। एच कितना है यहाँ पे? 2 मोल दिखा, एच टू। कितने मोल है एच? 2 मोल है, 2 मोल। सोड हाइड्रोक्साइड कितना है योगेश दादा? 2 मोल, देखो ना यहाँ 2 है, तो हाइड्रोक्साइड ये भी 2 मोल, ये 2 मोल, ये 2 मोल। ठीक है, पानी भी कितना बन रहा है भैया? 2 मोल। अगर इन दोनों को आप छोड़ भी दो तो पानी ही देख लो यहाँ पे, 2 मोल बना। तो 1 मोल का अगर एक्स था तो 2 मोल का कितना होगा? 2x। भाई 1 मोल का वैल्यू है -x किलो जूल, तो 2 मोल का कितना होगा? -2x किलो जूल। -2x किलो जूल। क्यों मृणाली, मैं गलत हूं क्या? बता दो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आज बताओ। हाँ सर वो मुंह सर लोग दिमाग पे गिरते हैं, वो मुंह पे गिरी है। हाँ वैसे ये डायलॉग अच्छा लगा मुझे। आओ एक सवाल लो। ठीक है, वन मोल ईच HCl एंड H2SO4। न्यूट्रलाइज
बाय रिक्वायर्ड अमाउंट। सवाल को देख के पढ़ के समझना। ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। एंड रिलीज एनर्जी माइनस एक्स किलो जूल एंड माइनस वाई किलो जूल। सेलेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सर 3 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। समझ आ रहा है इसका मतलब? उसका नहीं बोल रहा, मैं मृणाली वो बात नहीं कर रहे मृणाली, ना। मृणाली नहीं बोल पा रही है इसीलिए। हाँ हाँ वही, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सही बात है। बताओ भाई ओमकार, कुछ आंसर वंसर बताओ, अच्छा लग रहा है तो। इतना तगड़ा सवाल है ना, शब्दों के साथ बस जो भी किया है हेरा फेरी, ओनली शब्द और कुछ नहीं है। तीस सेकंड के बाद मैं खुद ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। सर ए वाला है क्या? सबका आया क्या? अच्छा मेरा तो आया, बाकियों का पता नहीं। कैसे आया तुम्हारा? वो क्वेश्चन पढ़ा, पहला वाला लगा इसलिए बोला। अरे लगने से नहीं होता भाई, सॉल्व तो करो। Somebody ऐसे लगने के चक्कर में मत रहो। आओ देखो मैं बता रहा हूं कैसे। सवाल पढ़ो ध्यान से सुनो love ओमकार, ध्यान me से सुनो। somebody. यहां बोला है 1 मोल ईच HCl एंड H2SO4 न्यूट्रलाइज। 1 मोल ईच बोल दिया है ना, तो ठीक है हम दोनों का एक एक मोल ले लेते हैं। देखो 1 मोल HCl ले लिया, 1 मोल हम H2SO4 ले लिए। फोर ले लिया। बोला है न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज बाय रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो रिक्वायर्ड अमाउंट जो भी होगा बैलेंस कर लेंगे, NaOH प्लस NaOH ये न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या बना देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बोला था इसने ध्यान से सुनो, बोला था 1 मोल HCl और 1 मोल H2SO4। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल। देखो मैंने दोनों चीज एक एक मोल लिया ना, HCl भी 1 मोल, H2SO4 भी 1 मोल। बोला आप दोनों को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवा के आप सॉल्ट वाटर बना दो। मैंने बोले ठीक बैलेंसिंग कर देते हैं। इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें 2 डालना पड़ेगा और यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है। अब बोला है कि एक का है माइनस एक्स, इसका बोला है रेस्पेक्टिवली, तो इसका मान लो डेल्टा एच कितना है माइनस एक्स और इसका कितना है डेल्टा एच माइनस वाई। तो बोल रहा दोनों में रिलेशन बताओ। रिलेशन इजी है, जब 1 मोल H+ और 1 मोल OH- मिलके 1 मोल वाटर बनाता था तो इतना बना। यहाँ पे 2 मोल है H2, 2 मोल है OH और 2 मोल वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना, एक्स का 2 गुना हो जाएगा। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस y बराबर इज इक्वल्स टू -2x। तो y इज इक्वल्स टू 2x, तो 2x इक्वल्स टू y। सिंपल इजी था। अरे इजी था।
हाँ सर, ठीक, बहुत अच्छी बात। अगर इजी था तो एक और सवाल देके छुट्टी करें, मतलब दूसरा टॉपिक पे चले क्या? चलेगा। चलेगा तो बताओ। ओमकार, इस सवाल को तुम माइंड से दे सकते हो, अगर माइंड है तो। कैलकुलेशन से हाँ दे दूंगा फिर तो। देखते हैं, HCl का अगर हमने किया है रिएक्शन बेस के साथ तो माइनस एक्स किलो जूल निकला। H2SO4 का जब हमने किया है रिएक्शन किसी बेस के साथ तो यहाँ पे माइनस वाई किलो जूल निकला। जब हमने H3IO3 का रिएक्शन करवाया है किसी बेस के साथ तो यहाँ पे माइनस जेड किलो जूल निकला। तो तुमसे बोल रहा अरेंज इंक्रीज ऑफ एनर्जी। ऑप्शंस बताओ थर्ड वाला। ओमकार, सोच के बताओ। अरे देखो ना, 3 दिन से हम ये हुडीज पहन रहे हैं और आज अभी हमको पता चला कि रैपर तो उसमें लटका हुआ है, मतलब इसका जो टैग है थर्ड अभी चुभा है। बताओ, वाला नहीं है सर। बाकी बच्चे आंसर बताएंगे। थर्ड या फोर्थ होगा, दोनों में से कोई मैंने तो। मैंने ये तो नहीं बोला कि थर्ड आंसर नहीं है। तुम और गलत जवाब दे दो, ऐसा हो नहीं सकता, तुम तो जानते हो ये सब बातें। हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होगा। किसी का आंसर आया क्या? योगेश, एनी आंसर? थर्ड होगा थर्ड ही होगा भैया, जिसका ज्यादा मोल उसका हो ज्यादा एनर्जी। सिंपल देखो देखो सर, मुझे ना, माइंड एक मोल, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, एक मोल यानी एक्स, 2 मोल यानी 2x ही हो जाएगा, 3 मोल यानी 3x हो जाएगा, तो ये ज्यादा होगा। सिंपल, इसमें तो कोई ज्यादा लफड़ा वाली बात ही नहीं है, यही होगा, थर्ड होगा। ठीक है ओमकार, इससे प्रूव हो जाता है कि दैट यू हैव लिटिल बिट ऑफ माइंड। सर, मुझे माइंड कैलकुलेशन में हारा नहीं सकता कोई। हाँ वो तो खैर दिख ही रहा है, लेकिन उछल कूद मत मचाओ, आओ देखें आगे। अगले क्वेश्चन में उछल कूद बंद हो जाएगी नहीं क्वेश्चन नहीं दे रहे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हो। तो हमें क्या सब पता चला है? हमें पता चला है कि जब हम स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को आपस में क्या करवाते हैं दोस्त, रिएक्ट करवाते हैं, तो जो हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलता है वो लगभग -57.5 किलो जूल मिलता है। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, कोई भी अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का अगर आप करवाते हैं रिएक्शन तो यही वैल्यू आएगा, ये तो निश्चित है। दूसरा पॉइंट, अगर आप वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस ले लेते हैं, स्ट्रांग बेस प्लस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर तो एसिड लिखते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ले लेते हो, वीक एसिड प्लस वीक बेस ले लेते हो, ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज होगा दोस्त, मैं मॉड का बात कर रहा हूँ, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैं साइन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मोड, मॉड यानी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज, वो गारंटी 57.5 से कम होगा, वो 57.5 किलो जूल से कम होगा, ये निश्चित सी बात है। तुम बोलोगे ऐसा क्यों होगा, आप मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू नो द रीजन। तो रीजन अभी मैं पहले लिख दूं या पहले बता दूं, जैसा विचार, पहले लिख ही देते हैं, है ना, समझा तो देंगे ही। लिखो रीजन।
सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड इन आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। बताते हैं रीजन क्या है। आओ लिख लियो तो मुझे बताओ, मैं चलूँ नेक्स्ट पेज पे समझा दे। चले आओ देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि एक वीक एसिड हम ले लेते हैं। इस वीक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। ऐसे भी और मान कहते लो मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई वीक एसिड किसे कहते हैं, है ना, या वीक बेस किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, कोई एक आदमी है जैसे ओमकार है ना, और इसके पास 100 रुपए है पॉकेट में, और हम मांगने गए कि छोटू छोटू 100 रुपए दे दो। ये कंजूस आदमी क्या करेगा, ये देखेगा कि अरे कितना है इसको, ये बोलेगा मेरे पास 100 नहीं है, 10 है, तुम 10 ले लो। हम 10 ले लिए, जाके खर्च कर दिए, इसके पास फिर से आएंगे मांगने तो फिर से ये 10 दे देगा। समझ रहे हो ऐसा कुछ कर रहा है, यानी ये इतना लीचर इंसान है कि ये 100 में से सिर्फ 10 दिया। और हम गए मृणाली के पास, इसके पास 100 रुपये था, हमको 10 रुपये की जरूरत थी। मृणाली को बोले, मृणाली 10 रुपये दे दो। वो बोले, यार 10 रुपये का क्या, पूरा का पूरा 100 ले लो भाई, ले लो 100। ठीक है, तो जो एक बार में अपना पूरा का पूरा एच प्लस या ओ एच नेगेटिव दे दे, 100% जो दे दे एक बार में, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। और जो एक बार में पूरा नहीं दे, उसे कहते हैं वीक एसिड या तो वीक बेस। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट। यानी इसके हाँ पास सर, एच प्लस है, देखो ये एसिड है, इसके पास एच प्लस तो है, लेकिन जितना एच प्लस है ना, वो पूरा का पूरा देगा नहीं रिएक्शन में, अपने पास छुपा के रखेगा। समझ में आया? बोलो मृणाली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो मैं बोल रहा हूँ ये वीक एसिड है, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तुम बोलोगे ठीक, मान लेते हैं इसमें 100 मॉलिक्यूल है, 100 एच प्लस है, कितना है 100। इसमें भी क्या है, 100 ओ एच नेगेटिव है, 100 ओ एच नेगेटिव, ठीक। लेकिन ये उस 100 का सिर्फ 5% ही डिसोसिएट किया है, 5% ही डिसोसिएट किया है एच प्लस। डिसोसिएशन यानी तोड़ना। एच प्लस कितना डिसोसिएट किया, ओनली 5%। तुम बोलोगे ठीक, और ये स्ट्रांग है तो ये कितना परसेंट कर देगा, 100% कर देगा, बताओ। हाँ यार, हाँ सर, ओ हाँ, तो अब एक सेकेंड रुको, मैं 1 मिनट में आया, है ना, रुको ठीक है। हाँ 1 सेकेंड में मैं आ गया। हो गया हेलो, है सर, एक सेकंड। अजी भाई, सर्दी कभी झली का नहीं। जी भाई, गुगार बस लेता। सही कहा, ओके। हाँ देखो, 1 मिनट, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये वीक है ना, तो ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, तो यहाँ एसिड है वीक, CH3 COO नेगेटिव, टूटा कितना, 5% एच प्लस आया, कितना है टूटा, 5%। ये कितना है, Na प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव। तो मुझे बताओ
कितने ये पीस आए हैं? तुम बोलोगे 5। ये कितने आए हैं भाई? तुम बोलोगे 100। पानी कितना बनेगा मुझे जल्दी से बताओ, 100 बनेगा या 5 बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट बता चुके हैं तुमको मोल कंसेप्ट में। 100 सो बनेगा 5 बनेगा? पानी कितना बनेगा, कितने मोल, कितने मॉलिक्यूल पानी के? योगेश, आज 5 बनेगा पांच भाई, सौ 95 OH बचा रह जाएगा, 5 ही बनेगा। ओमकार, 5 है तो बस पानी बनेगा, H2O 5। ठीक है, ये बना 5 मोल मान लेते हैं। तो योगेश दादा, यहाँ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा? तुम बोलोगे हाँ, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कुछ रिलीज होगा। उस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कुछ हिस्सा ये CH3COH फिर से ले लेगा, ताकि ये 5% से बढ़ा के अब अपना 10% तोड़े, या अगला 5% तोड़े, फिर रिलीज होगा, फिर तोड़ेगा, फिर रिलीज होगा, फिर तोड़ेगा, ऐसे कर करके फाइनली ये अपना पूरा H+ देगा। समझ में आ रहा है? टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका जो डेल्टा एच तुम कैलकुलेट करने जाओगे, उसका कुछ तो ये पहले ही यूज कर लिया है, तो क्या इसका 57.5 से कम नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है, वीक है, वीक एसिड है। स्ट्रांग रहता तो एक के बार में पूरा 100% दे देता पूरा, ये भी एक बार में 100%, और जो एनर्जी आता वो आता। अब समझ आया लॉजिक, रीजन समझ आया? जल्दी हाँ बोलो सर। दोस्तों। ओके, उसके बाद आते हैं आगे, जल्दी से। उसके बाद कथा है आगे की कुछ इस प्रकार से कि हीट ऑफ आयनाइजेशन, ध्यान से सुनना, हीट ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मतलब इसका टूटना, आयंस में बनना। ये एनर्जी इसको मिला है ऐसे, तो अपना H+ दे दिया, देखो H+ दे दिया, तो ये आयंस में बदल गया ना, आयंस में। इसको हीट ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। तो मैं बोल रहा हूं हीट ऑफ आयोनाइजेशन है ना, ऑफ वीक एसिड, या तो वीक बेस ले लो, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 13.7 कैलोरी में है ना, माइनस मॉड में लिख रहा हूं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तुम बोलोगे ये कैसे, तुम बोलोगे ये कैसे? तो यहां देखो, ये डेल्टा एच जो यहाँ पे रिलीज होगा, ध्यान से देखो, डेल्टा एच मान लो यहाँ पे 10 रिलीज हुआ, तो 10 रिलीज हुआ, होना कितना चाहिए था? तुम बोलोगे सर 13.7 होना चाहिए था, तो हुआ कितना रिलीज? 10। तो बाकी का ये गया कहाँ, 3.7? तुम बोलोगे सर ये तो चला गया इधर ना, आयनाइजेशन में चला गया। गया कि नहीं गया योगेश? तुम बोलोगे हाँ आयनाइजेशन में चला गया। तो आयनाइजेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, 13.7 - 10, और ये 10 क्या है, वही तो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। देखो ये 10 क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। तो 13.7 माइनस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड से हमें नहीं पता चल जाएगा आयनाइजेशन के बारे में, चल जाएगा पूरा पूरा, चल वही जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया। क्या मृणाली, ओमकार, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या? समझ रहा हूँ सर मैं। लग तो बिल्कुल नहीं रहा, लग तो बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है, यस, मृणाली भी कुछ कुछ अब बोलना स्टार्ट की। अब पीएच जानते हो, पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ये 0 है, ये 14 है, ये 7 है। मैं बोल रहा हूँ जब जब तुम 0 से 7 की तरफ बढ़ोगे, तो एसिड बड़ा स्ट्रांग होता चला जाएगा। एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, किधर, जब 0 से, उल्टा मैंने बोल दिया यार, जब तुम 7 से 0 की तरफ जाओगे, ठीक है, जब तुम 7 से 0 की तरफ जाओगे, तो तुम बोलोगे सर यानी 6 पे होगा कोई और कोई होगा 2 पे, तो स्ट्रांग कौन सा होगा, स्ट्रांग होगा 2 वाला, ये बहुत वाला स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है। और जब इधर 7 से 14 की तरफ जाएंगे, तो बेस स्ट्रांग होता चला जाएगा, ये हम जानते हैं, ये हमने बचपन में पढ़ रखा है। तो पीएच का और भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ना केमिकल वाले चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि पीएच का एक फॉर्मूला होता है एसिड के लिए, वो होता है माइनस लॉग H+ कंसेंट्रेशन। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो तो लॉग 1/H+ कंसेंट्रेशन। तुम बोलोगे सर उसी को घुमा के आपने लिखा है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा योगेश, तो क्या हो जाएगा, देखो तो लॉग H+ कंसेंट्रेशन पावर -1, और ये पावर -1 इधर आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है,
लॉग में, जानते ही हो, तो ये लिख दिया। कोई हाँ दिक्कत सर। वाली बात है नहीं, नहीं ये ठीक है। इससे क्या पता चलता है? तुम बोलोगे सर इससे ये पता चलता है कि जब जब एच प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, और पीएच घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखो ना, ये है 7, मान लो ये है 7, ये है 0, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 1। मैं बोल रहा हूं कि एच प्लस मैंने बढ़ाया, तो ये उल्टा रिलेशन है ना पीएच के साथ, तो ये नीचे आएगा। तुम बोलोगे हाँ ये नीचे आएगा, तो एच प्लस बढ़ा और मान लो पीएच यहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया, तो तुम मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। भाई पीएच घटने का अर्थ क्या होता है योगेश? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना, सिंपल सी बात, पीएच घट रहा यानी एसिड स्ट्रांग होता जा रहा, क्या कहते हो? है ना योगेश दादा, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मृणाली कंफ्यूज तो नहीं हो गई? नहीं ओके ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये रिलेशन उल्टा होता है, याद रखना। ठीक, तुम बोलोगे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से एक और रिलेशन आता है, वो रिलेशन देखो जरा। वो रिलेशन ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। जिसका जितना ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे ज्यादा होता है 57.5, वीक कैसे कम होता है? देख के ही आए हो, आए हो कि नहीं आए हो देख के? बोलोगे हाँ देख के ही आए। और हम जानते हैं कि एच प्लस, अगर 1 मोल का एच प्लस मान लो 10 है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा दोस्त? 20। 3 मोल का कितना हो जाएगा? 30। अभी ये सवाल भी तो दिए थे कि एक्स वाई जेड कौन ज्यादा है, एक्स वाई जेड अभी दिए थे ना तुमने, उसमें देखा था जिसका मोल ज्यादा उसका वो ज्यादा। मोल ज्यादा यानी हम ये नहीं कह सकते कि एच प्लस ज्यादा, जिसका एच प्लस ज्यादा उसका ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा, और जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अरे हाँ या ना, बोलो। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते ओमकार? बताओ क्या मैं गलत लिख रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस का कंसेंट्रेशन? तुम बोलोगे नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो यहां से भी प्रूव हो रहा है और यहां से भी प्रूव हो रहा है, ऐसे करके। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब एच प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के, चाहो तो लिख देते हैं, एच प्लस का कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के। क्यों? क्योंकि देखो एच प्लस की जगह हम ये डाल देंगे, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि के ए होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के, है ना? ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना जल्दी टूट जाएगा, गॉट इट? जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना जल्दी टूटेगा, या जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। वीक में हमने देखा ना ये एनर्जी कम हो जाता है, भाई वीक में देखे थे ना योगेश, ये कम था यानी वो अच्छे से नहीं टूट रहा था, और जो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी वो ज्यादा अच्छे से टूटता है, एच प्लस जल्दी दे देता है। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, सर। सोना तो नहीं चाहिए। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में।